दिवाली में मेरे भाई ने रात में मेरे पास आया और सो गया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरा भाई मेरे साथ डांडिया डिस्को कर रहा था और उसने, मेरा नाम सुनीता है और मैं बंगाल के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। अभी तक मैं बहुत सीधा साधा लड़की थी। मेरी उम्र अभी 26 साल है। हमारे घर में कुल हम 5 लोग रहते थे। मैं, मेरे दो भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरे छोटे भाई की उम्र अभी 11 साल है और बड़े भाई की उम्र 20 साल है, लेकिन वो मुझसे छोटा है। दरअसल दोस्तों, मेरी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मैं दिवाली मनाने के लिए 1 महीने पहले से ही अपने मम्मी के घर आ गई थी। दिवाली का त्योहार था तो सभी लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे थे। तभी हमारे घर में मेरी बुआ जी आ गई तो हम सब ने उनका स्वागत किया और उनसे खूब सारी बातें की। मेरी बुआ मुझे बता रही थी कि बेटा, तुम अच्छे से अपने घर का ख्याल रखना और अपने पति की कोई भी बात मत टालना। मैंने बुआ जी से कहा, हाँ ठीक है बुआ। इतनी ही बातें करते करते शाम हो गई तो हम सब ने खाना खाया और सो गए। मेरे कमरे में मेरा बड़ा भाई और बुआ जी सो रहे थे। सोते हुए जब मेरी नींद खुली तो मेरा भाई अपना हाथ घुमा रहा था। मैं उससे अलग जाकर सो गई। फिर जब सुबह हुई तो मैं उठी और ब्रश किया। फिर मैंने और मम्मी ने नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता दे दिया। मैं नोटिस कर रही थी कि मेरा बड़ा भाई रजनीश मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था और उसका देखने का नजरिया कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दोस्तों, उसके देखने के तरीका से तो कोई भी पिघल जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों न इससे बात की जाए, तो मैं रजनीश के पास गई और बोली, रजनीश भाई, तुम बड़े शांत रहते हो और कुछ बोलते नहीं हो, क्यों? तो वो बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं बोली, तुम्हारा कहीं किसी से चक्कर चल रहा है क्या? इस पर रजनीश बोला, नहीं दीदी, मेरा भला किससे चक्कर चलेगा, मैं तो बिल्कुल सिंगल हूँ। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मेरी मम्मी आ गई और माँ मुझसे बोली, सुनीता, तुम रजनीश को लेकर मार्केट चली जाओ और मार्केट से दिवाली की शॉपिंग कर आओ। इतना कहकर माँ ने मुझे सामान का बड़ा सा लिस्ट पकड़ा दिया और साथ में पैसे भी दे दी। मैंने भाई से कहा कि चलो रजनीश, मार्केट चलते हैं। तो उसने कहा, जाओ तैयार हो जाओ, मैं भी कपड़े पहनकर आता हूँ। मैं जाकर मुंह धोकर तैयार हो गई और भाई भी बाइक लेकर तैयार हो गया। मैं और रजनीश बाइक पर बैठकर मार्केट के लिए चल दिए। मैं बाजार जा रही थी, बीच रास्ते में ही मेरी एक कॉलेज की सहेली मिल गई, तो मैं उससे बातें करने लगी। उसका नाम ज्योति था। ज्योति मुझसे बोली, और सुनाओ सुनीता, तुम्हारे तो मजे होंगे, तुम तो जीजा जी के साथ काफी खुश रहती होगी। तो मैंने कहा, अरे नहीं यार, 1 महीने हो गए उनसे मिले, तब तक तो जिंदगी नीरस ही हो चुकी है। यही सब हमारे बीच बातें चल रही थी और ज्योति मुझसे मजाक करने लगी और बोली, अरे यार सुनीता, तू अपने इस भाई को ही क्यों नहीं सेट कर लेती हो? तो मैंने इस पर कहा, पागल है क्या, वह मेरा भाई है,
चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं, हमें अभी बहुत सारा सामान खरीदना है। फिर मैं अपने भाई रजनीश के साथ मार्केट में चली गई। मैं रास्ते में भी ज्योति की ही बात सोच सोच कर हंस रही थी। मार्केट में पहुंचकर हमने कपड़े, मिठाइयाँ और जो भी सामान लेना था वो ले लिया। हमें शॉपिंग करते करते ज़्यादा देर हो गई थी, तो मैंने अपने भाई रजनीश से बोला, चलो रजनीश अब घर चलते हैं। तो वो बोला, नहीं दीदी, आज हॉल में बहुत मस्त पिक्चर लगी है, चलो पिक्चर देखकर शाम को घर चलेंगे। पहले तो मैंने उसे मना किया, लेकिन फिर वो बोला, प्लीज दीदी चलो ना। तो फिर मैं भी उसके साथ पिक्चर देखने चली गई। उसके साथ घूमने में मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था। फिर रजनीश टिकट काउंटर से दो टिकट ले आया और हम मूवी हॉल में पहुंच गए। रजनीश के कहे अनुसार मूवी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो पिक्चर देखने से ज्यादा मुझे ही देख रहा था। मैंने उससे कहा, रजनीश तुम्हारा ध्यान किधर है? तो रजनीश बोला, कहीं नहीं, मैं तो पिक्चर ही देख रहा हूँ। अब मुझे धीरे धीरे उस पर शक होने लगा था। फिर पिक्चर खत्म हुई और हम लोग बाहर आ गए। सच में पिक्चर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। पिक्चर देखकर हमें मजा आ गया था। फिर मैंने रजनीश से कहा, चलो भाई रेस्टोरेंट से होकर तब घर चलेंगे, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो वो बोला, हाँ ठीक है। फिर हम रेस्टोरेंट गए और वहाँ से खाना खाकर हम घर को चल दिए। रजनीश रास्ते भर बातें करते जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तो वो बोला, आप तो बिल्कुल अच्छी लगती हो। फिर बातें करते करते हम कब घर पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला। घर पहुँच कर हमने सारा सामान मम्मी को दे दिया और हम सोने को चल दिए। दरअसल शॉपिंग करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर हम दोनों सो गए। जब सुबह मैं उठी तो भाई मुझे बड़ी ध्यान से देख रहा था। अब मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं उठी और नहाने के लिए चली गई, क्योंकि आज मेरी एक सहेली का बर्थडे था। तो मैंने रजनीश से बोला, भाई चलो मुझे एक सहेली के घर जाना है, उसका बर्थडे है। तो इस पर उसने बोला, तुम्हें मैं जरूर ले चलूँगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं बोली, कैसी शर्त है तुम्हारी, बताओ मुझे जरा मैं भी जानूँ। तो वो बोला, मैं तुम्हें। फिर मैं बोली, हाँ मैं समझ गई, लेकिन पहले तुम चलो, फिर तुम्हें जो करना हो कर लेना। वैसे मैं भी इस दिन का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन पहले तुम चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। इस पर वो तुरंत तैयार हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी उसकी हालत देखकर परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा, चलो भला इसका भी काम बन जाएगा और मेरा भी। वैसे दिवाली का मौसम था, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। तभी वो आ गया और बोला, चलो चलते हैं। फिर वो मुझे लेकर बर्थडे पार्टी में पहुंच गया। बर्थडे पार्टी में पहुंचकर हमने खूब एंजॉय किया और मैं और मेरी सहेलियों ने मिलकर खूब डांस भी किया और बाद में हमने खाना खाया। आज मेरी सभी सहेलियां पार्टी में आई थी, तो उन्हें देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे भाई के बारे में सोचकर खुशी हो रही थी कि आज तो भाई। फिर पार्टी खत्म हो गई और हम घर चले गए और भाई के शर्त के अनुसार हमने वही किया जो भाई ने शर्त में कहा था। अब मेरा भी मन लगने लगा था।
यहाँ तक कि दिवाली को भी हमें खूब मजा आया। दिवाली के दिन हम खूब मिठाइयाँ खाए और खूब घूमे। फिर दिवाली बीत जाने के बाद मैं अपने ससुराल चली गई और इधर मेरा भाई पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। अब मेरी जिंदगी भी अच्छे से चलने लगी और मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हूँ।